अरे होरी खेले रघु बीराया वतन होली तो आ चुकी है, त्योहार हमारे मन की तो कहानी है। जब भी हमारा मन खुश होता है, हम लोग एक्साइट होते हैं, तो त्योहार तो उसी दिन बन जाता है। और अगर जो एग्जाम दिया है उसके सॉल्यूशन करेक्ट हैं, जैसा हम चाहते थे वैसे ही सॉल्यूशंस हैं, तो फिर त्योहार तो आज ही है ना। और जब त्योहार होता है तो यार एक्साइटेशन भी पूरा होता है, खूब खाने का मन करता है, कभी गुंजिया तो कभी ठंडाई। बट फिलहाल चिप्स पकड़ो और अपनी सीट भी ले लो, कोई कोना पकड़ लो जहां अब आगे बैठ करके इन सॉल्यूशन को एंजॉय करोगे और वाह वाह भी करोगे अपने आंसरों के ऊपर जो तुम देख करके आए हो, क्योंकि यही तो है जो तुम्हारे रिजल्ट को कन्वर्ट करने वाले हैं। और मन में तो अभी से गुदगुदी शुरू हो जाएगी आने वाले रिजल्ट की। आंसर तो तुम्हारे सही हैं, केवल वेरीफाई तो करना है। कॉपी पेन लेना मत भूलना, ताकि जो भी कोई नई जानकारी मिले उसे तुम पकड़ सको और आगे कभी यूज कर सको। चलिए फिर देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है बॉटनी और जूलॉजी से हैं इस बार। क्वेश्चन नंबर 2, किसी जूलॉजिस्ट ने 10,000 साल पहले पाया जाने वाला वोली मैमथ से कुछ टिश्यू लिया है और उस टिश्यू से डीएनए निकाला है और डीएनए को बढ़ाना चाहता है, क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहता है ताकि उसे एनालाइज कर सके। अब यहां टेक्निक दे रखी है आरएफएलपी, इलेक्ट्रोपोरेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और क्रोमेटोग्राफी। यार ये क्वेश्चन तो सबसे आसान सवालों में से, तुम्हें सबको इसका आंसर पता है, तुम इसका आंसर ठीक लगा करके भी आयो, क्योंकि तुम जानते हो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ही एकमात्र यहां ऐसी है जो डीएनए को एम्पलीफाई करती है। आरएफएलपी मतलब रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये तो मार्कर्स के लिए है। तो इलेक्ट्रोपोरेशन से हम लोग सेल के अंदर डीएनए को इंसर्ट करते हैं और क्रोमेटोग्राफी में हम लोग मॉलिक्यूल्स को सेग्रीगेट करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड होकर के। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को कैरी मुलिस नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था और आज की तारीख में हम लोग टैग डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करके एक डीएनए कॉपी से बिलियंस ऑफ कॉपी तैयार कर सकते हैं मात्र कुछ मिनट्स के अंदर। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट टेक्निक जो डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। एक आंसर तुम्हारा करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल। अब कैंसर सेल को कौन नहीं जानता यार, आजकल कैंसर इतनी बुरी प्रॉब्लम के रूप में है कि सब लोग कहीं ना कहीं इस बीमारी का नाम सुन चुके हैं, जानते भी हैं। कैंसर करने वाले एजेंट्स हमारी सब्जियों में भी हैं, तो हमारे फलों में भी, पानी में भी हैं, हवा में भी। जब भी कभी कोई सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट होती है तो वो अपनी नॉर्मल सेल की सारी प्रॉपर्टी भूल जाती है। जहां नॉर्मल सेल टिश्यू की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके साथ साथ रहना पसंद करती हैं, तो वहीं कैंसर की सेल जहां पर बनी है वहां से छोड़ करके, कॉन्टेक्ट हटा करके, मेटास्टेसिस नाम की प्रोसेस के थ्रू एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में घुस सकती है। कैंसर सेल एंजियोजेनेसिस भी करवा सकती है। कैंसर सेल्स के अंदर सेल साइकिल के चेक पॉइंट खराब हो चुके होते हैं, तो अपोप्टोसिस भूल चुके होते हैं और लगातार डिवाइड करती रहती हैं माइटोसिस के द्वारा। अगर हम कैंसर सेल को कल्चर मीडियम में ग्रो करें तो जहां नॉर्मल सेल्स को एंकरेज डिपेंडेंट ग्रोथ दिखानी होती है, कैंसर सेल को फर्क नहीं पड़ता कि वो चिपकी हुई है या फिर सॉल्यूशन में, मल्टी लेयर भी डेवलप कर लेती हैं। बात तो और भी बहुत सारी होती है कैंसर की, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो इतनी जानकारी भी काफी है। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कैंसर सेल की नहीं है? सेल मोटिलिटी बढ़ने वाली है जिसे हम मेटास्टेसिस भी कहते हैं, तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन भी खत्म होने वाला है, एपोप्टोसिस का नंबर तो डिक्रीज हो ही जाएगा तभी तो सेल नंबर बढ़ाएगी, और अनकंट्रोल्ड माइटोसिस दिखाती है, लेकिन यहां मियोसिस है। मियोसिस हमारी नॉर्मल सेल्स नहीं दिखाती, केवल गैमेट प्रोड्यूस करने वाली सेल ही लास्ट डिविजन के रूप में मियोसिस दिखाती है, तो उनकी कहानी यहां नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है जो गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 8, केमिकल रिएक्शन है एक सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की कहानी है, और ये कह रहे हैं कि रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट बनने की, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ रिवर्ट बैक या डिग्रेडेशन प्रोडक्ट का वापस सबस्ट्रेट में कन्वर्जन, इसे मैं KR बोल देता हूं, तो KF इज इक्वल टू KR होता है। इक्विलिब्रियम कभी भी बदलेगा नहीं। एंजाइम नो डाउट बहुत पावरफुल चीज है और बहुत बढ़िया कैटलिस्ट है बायोलॉजी में, बहुत सारे रिएक्शन को फास्ट कर देता है, आई फ्लाई की तरह, जैसे आई फ्लाई तुम्हारी लाइफ में और तुम्हारी तैयारी में हेल्प करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एंजाइम के साथ तुम कुछ ही प्रॉपर्टी जोड़ दो और उसे कहो कि ये तो सुपरमैन है, जो करना चाहे कर लेगा। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर सकते हैं, तो एंजाइम बैलेंस को जल्दी क्रिएट कर सकते हैं।
देखिए, जब भी कभी इक्विलिब्रियम को अचीव होना होगा, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन जब तक होता रहेगा जब तक ये इक्विलिब्रियम ना आ जाए। एंजाइम की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम में रेशियो है ना सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की, वो कभी चेंज नहीं होती। अब इन्हीं जानकारी का इस्तेमाल करके अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो ऑप्शन नंबर 1, द इक्विलिब्रियम डायरेक्शन विल नॉट चेंज, ये है जो होगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिक्रीज नहीं होगा, एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट नहीं बनने वाला, और फ्री एनर्जी को तो एंजाइम कभी चेंज नहीं करते। एंजाइम जिस एनर्जी के मामले में भी अगर छेड़छाड़ करते हैं तो वो डेल्टा जी डबल डेकर है, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, टेशक नाम का एक ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये पूछा गया कि किस सेल ऑर्गेनेल से एसोसिएटेड है। इस बीमारी में मसल्स न्यूरॉन्स बहुत बुरा असर डालता है, खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में स्टोरी है गैंग्लियोसाइट्स के डिग्रेडेशन की। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले ये लिपिड्स हैं। इन लिपिड्स में जहां एक तरफ फैटी एसिड्स और अल्कोहल है, तो वहां काफी सारे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट इन लिपिड्स के द्वारा किए जाने वाले रोल्स में बड़े इंपॉर्टेंट है। तो जहां इन गैंग्लियोसाइट्स का बनना इंपॉर्टेंट है, तो वहां इनका डिग्रेडेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये एंजाइम, जिसे बोलते हैं एन-एसिटाइल हेक्सोजामिनेडेज ए, अगर ये एंजाइम काम करना बंद कर दे और गैंग्लियोसाइट GM2 का डिग्रेडेशन रुक जाए, तो बीमारी का नाम है टेशक डिजीज। और डिग्रेडेशन करने के लिए सेल्स में कौन से ऑर्गेनेल होते हैं जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं? लाइसोसोम्स। तो यहां भी इनके डिग्रेडेशन की कहानी लाइसोसोम के साथ एसोसिएटेड है। और ये गैंग्लियोसाइट्स की स्टोरी में केवल टेशक नाम की एकमात्र डिजीज नहीं है, फैब्रिज डिजीज, गाउचर डिजीज, नीमन पिक वगैरह भी यही इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। तो अब क्या ये पजल है कि टेशक डिजीज के साथ किस ऑर्गेनेल का एसोसिएशन है? लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 10, याद है इंग्लैंड की कहानी, हम लोग 12th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब भी कभी हम लोगों ने नेचुरल सिलेक्शन की बात की, तो ये एग्जांपल हमेशा हमारे सामने आया। एग्जांपल ये था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले इंग्लैंड के पार्क्स में जो मॉथ मिलते थे, ये तितली की तरह उड़ने वाले कीड़े होते हैं पंखों वाले, जो कि आमतौर पर रात के टाइम बाहर निकलते हैं। ये वही मॉथ है जिनसे हम सिल्क भी बनाते हैं। ये दो रंग के मिलते थे, डार्क और लाइट, और पेड़ का बैकग्राउंड कैसा है इसकी वजह से लाइट वाला छुप जाता था और डार्क वाला इजिली विजिबल था। क्योंकि ये इजिली विजिबल थे तो इसलिए प्रेडेशन के लिए भी अवेलेबल थे, और इस टाइम डार्क कम नंबर के होते थे और लाइट ज्यादा। लेकिन फिर आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बहुत सारा कोयला जलाया गया इंडस्ट्री चलाने के लिए, और उस कोयले से निकला हुआ शूट पेड़ों पर जमा, पेड़ों का तना काला हो गया और उस काले बैकग्राउंड में वाइट ज्यादा दिखने लगे और काले कम, और धीरे धीरे प्रेडेशन के स्ट्रेस की वजह से अब नंबर काले वालों का बढ़ गया पॉपुलेशन में। जब भी कभी किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के पक्ष में इवोल्यूशन जाता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो आंसर है सी। इसी क्वेश्चन को और भी डिस्क्राइब किया गया है नेट दिसंबर 2018 के सवालों में, इसी चैनल पर चेक कीजिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी बात क्लासिकल डार्विनियन थ्योरी के साथ लागू नहीं होती? देखिए, डार्विन साहब ने हमेशा ये कहा कि प्रकृति जो स्ट्रेस डालती है, उस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करते हैं। तो अ ट्रेट विच इज कॉन्स्टेंटली यूज विल गेट इनहेरिटेड बाय नेक्स्ट जनरेशन। जो कोई ट्रेट ऑर्गेनिज्म यूज करता है और जो लगातार यूज कर रहा है, वो उसके बच्चों में भी जाएगा। फिनोटाइपिक वेरिएशन एग्जिस्ट अमंग द इंडिविजुअल पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज। एक ही स्पीशीज की जो पॉपुलेशन होगी, उसमें कई तरह के मुझे वेरिएशन देखने को मिलेंगे, मिलते हैं। इंडिविजुअल्स दैट बेस्ट फिट इनटू अ गिवन एनवायरनमेंट आर मोर लाइकली टू सर्वाइव। किसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी खास होगी, वो प्रॉपर्टी कैरी करने वाले ऑर्गेनिज्म को ज्यादा चांस मिलेगा सर्वाइव करने का। ईच पॉपुलेशन कैन रैंडमली एक्वायर अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट स्विच ऑफ वेरिएशंस। यार ये लाइन पता है, ये लाइन न्यूट्रल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की है, ना कि नेचुरल सिलेक्शन की। क्योंकि ये बोल रही है कि ये जो भी चेंजेस आने वाले हैं रैंडम आने वाले हैं, जबकि डार्विन साहब ने ये समझाया था कि चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में। एनवायरनमेंट है जो चेंज क्रिएट करता है। लेकिन 1960s में आई हुई थ्योरी किमोरा की, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रल थ्योरी, इसी पॉइंट पर तो डार्विन की थ्योरी से अलग थी। ये बोलती थी कि इवोल्यूशन में जो म्यूटेशंस होते हैं या वेरिएशन आते हैं, वो नेचर के प्रभाव में नहीं आते, वो तो रैंडम इवेंट्स हैं। अब इनमें से कौन सा इवेंट एनवायरनमेंट के पक्ष में था, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आंसर है डी। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को डिफाइन करने के लिए डार्विन को क्रेडिट जाता है, नो डाउट। बट इसके अलावा वैलेस नाम के भी एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस थ्योरी के बारे में काफी अच्छी बातें की थी। और जब भी डार्विन की बात करो ना, तो कुछ और बातें भी याद कर लो, कौन से आइलैंड पर गए थे, कब गए थे, और डार्विन की फिंचेस, और उनकी ये फेमस लाइन, जो लाइन बोलती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज में जो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं वो सर्वाइव करेंगे, बात ऐसी नहीं है। जो मोस्ट इंटेलिजेंट होंगे वो सर्वाइव करेंगे, बात ऐसी भी नहीं है। लेकिन सर्वाइव तो वो करेंगे जो रिस्पॉन्स कर सकते हैं चेंज के लिए। इसके अलावा चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के जो पॉइंट्स है, वो यहाँ समराइज किए गए हैं, आपकी जानकारी के लिए पढ़ लीजिए और मजे ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, अब यह मैच करना है। मैच करने के लिए एक एंजाइम है गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, क्लाथरिन नाम का मॉलिक्यूल है, तो ट्यूबुलिन नाम का प्रोटीन भी है। यार सेल के बारे में बात कर रहे हैं,
और सेल के तो बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, हर जगह अलग अलग काम होते हैं। तो साइटोस्केलेटल भी होता है, जैसे कि माइक्रोटिब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इन सभी जगह पर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन्स जो उन जगह के खास काम करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम था, एटीपी को प्रोड्यूस करना। तो एटीपी को प्रोड्यूस कराने के लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वही तो है जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाती है, F1 पार्टिकल। ये सारी जो फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन थी, यही इस क्वेश्चन में पूछी हुई है। देखिए, गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज, क्या नाम सुन के नहीं मालूम पड़ा कि ये कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, भाई ये कॉम्प्लेक्स 4 की बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्लैथरिन कोटेड पिट्स की कहानी याद है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, यानी कि हम वेसिकल्स की बात कर रहे हैं। और ट्यूबुलिन के डायमर जुड़ करके माइक्रोट्यूबुल बनाते हैं, जो साइटोसोल में प्रेजेंट है, और ये हमारी सेल के अंदर रेलवे ट्रैक की तरह काम करते हैं। यही वो ट्यूबुलिन है जो बाद में जुड़ करके स्पिंडल फाइबर भी बनाते हैं। अब मैच कर लो 4 का 3, 4 का 2, हालांकि ट्यूबुलिन और साइटोसोल मिलाकर के ही ये काम बन गया, लेकिन फिर भी सारे ऑप्शन ऐसे थे जो फंडामेंटल हैं और जो हमें पता है। अब कुछ सवाल है बॉटनी से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस लैंग लैंग ऑयल। यही बता दूं कि ये है कैनंगा ओडोरेटा। अभी पिछले कुछ सालों में इस ऑयल के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें आने शुरू हुई, और इस ऑयल से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा है, तो भाई डिप्रेशन से बचाता है। इंडियन डिसीजन बोलते हैं इसको कि ये हार्ट हेल्थ मूड और एनर्जी के लिए। अब जैसा कि नाम बता रहा है, ये प्लांट ईस्टर्न कंट्रीज में पाया जाता है, जैसे कि इंडोनेशिया, चाइना। क्वेश्चन नंबर 4, एसिड रेन जिसका पीएच है 4.0, ये ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू रेन जिसका पीएच हो 6.0। बारिश है मत भीगो भाई, नंबर पे जाओ पीएच की कहानी के ऊपर। 4 और 6 पीएच का फर्क है, और पूछा हुआ है कितने गुना का डिफरेंस आ जाएगा। तो कुछ याद है, एक फार्मूला था, पीएच को कैलकुलेट करने के लिए प्रोटोनिक कंसंट्रेशन चाहिए होती है लॉग में। हालांकि इन कैलकुलेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन एक सिंपल सा रिलेशन है। अगर मेरे पास पीएच कभी भी होल नंबर में है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, तो इस रिलेशन को याद रखो कि जो भी आपके पास पीएच दी हुई है वो 10 की पावर में लगा लो, तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन मिल गई तुम्हें कि इस टाइम प्रोटॉन कंसंट्रेशन कितनी है। अगर मुझे दिया हुआ है कि ये है 4.0, तो उसका मतलब है 10^-4 एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन है, और ये है 10^-6, तो क्या तुम्हें पावर्स में डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा कितने गुना का फर्क है, 100 times। जब भी कभी 10^ में कोई भी डिफरेंस निकाल रहा हो, तो दोनों पावर्स को माइनस कर लो, निकल के तुम्हारे सामने आ जाएगा 10^2। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन एक और ऐसा क्वेश्चन जो हम लोग हमेशा अपनी क्लास में करते रहते हैं, माइक्रो आरएनए कहानी है, और माइक्रो आरएनए बनाने के लिए कौन सा पॉलीमरेज इस्तेमाल होता है। तो देखिए, यूकेरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज है, मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए है सेकंड, तो ट्रांसफर आरएनए और फाइबर राइबोसोमल आरएनए बनाने के लिए, और बहुत सारे और छोटे आरएनए बनाने के लिए थर्ड है। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 का जो मेन काम है ना, ये है राइबोसोमल आरएनए बनाना, और आरएनए पॉलीमरेज 2 ही आपका माई आरएनए भी बनाता है। माई आरएनए की स्टोरी जीन रेगुलेशन बड़ी काम आती है, पढ़ते तो और ही बहुत कुछ है कि प्रोसेसिंग कैसे होती है, माई और साई में क्या फर्क होता है, बट फिलहाल जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसी पर टिक के रहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 2, आंसर सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इन्होंने यहाँ बात कर रखी है NADPS, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन वगैरह वगैरह की, तो थोड़ी सी बात यहाँ देख लो। देखिए, फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन काम करती है, और साइटोक्रोम B6F वो कॉम्प्लेक्स है जो वो प्रोटॉन पंप करता है जिनका इस्तेमाल करके F1 पार्टिकल एटीपी जनरेट करता है। जब भी कभी ये प्रोटॉन ट्रेवल करेंगे, हमेशा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पानी के मॉलिक्यूल से निकाले गए कॉम्प्लेक्स 2 के द्वारा और घूम करके पहुंचे कॉम्प्लेक्स 2 के पास और अल्टीमेटली NADPH बन गया, तो इसे बोलते हैं हम लोग नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो इस प्रोसेस के द्वारा प्रोटॉन हुए पंप से जब ATP बनते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। चांस ये भी है कि फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन बजाय NADP रिडक्टोज को देने के, ये वापस साइटोक्रोम B6F को दे दे, और एक साइकिल शुरू हो जाए। इस साइकिल के चलने से पानी तो टूटने वाला है नहीं, आपका NADPH नहीं बनने वाला, लेकिन प्रोटॉन पंप होते रहेंगे, वो प्रोटॉन जो ATP बनाते रहेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें केवल कॉम्प्लेक्स 1 इस्तेमाल होता है, कॉम्प्लेक्स 2 का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसी बात पे क्वेश्चन होकर को देख लो। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इन्वॉल्व PS1 रिजल्ट इन नेट प्रोडक्शन ऑफ बोथ ATP एंड NADPH। गलत हो गई भाई, ATP तो बनता है, NADPH नहीं बनता। PS सिस्टम 1 इन्वॉल्व है नो डाउट। द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इन्वॉल्व PS1 रिजल्टिंग इन नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP। क्यों ठीक है, रुबिस्को एंजाइम का भी नाम सुना होगा,
रूबिस्को एंजाइम सबसे फेमस एंजाइम में से, और हम इसे ये भी कहते हैं कि ये दुनिया में सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है। फोटोसिंथेसिस यही करता है, केल्विन साइकिल में मिलता है। लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है नॉर्मली, बट कभी कभी गलती से ये ऑक्सीजन को भी पकड़ सकता है और फोटो रेस्पिरेशन कर सकता है। तो रूबिस्को एंजाइम यूजुअली कन्वर्ट RuBP एंड CO2 इनटू 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये वही ग्लिसरेट है जिससे आगे ग्लूकोज बनता है, तो ये भी ठीक है। एस बोल रहा है कि रूबिस्को एंजाइम आमतौर पर RuBP और ऑक्सीजन को कन्वर्ट करता है, ये आमतौर पर नहीं करता, ये जब करता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है फोटो रेस्पिरेशन में। तो क्यू एंड आर ये है तुम्हारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेटमेंट दिया हुआ पूछ रखा कि ट्रू कौन सा और फॉल्स कौन सा है। देखिए माइटोसिस एक्सक्लूसिवली डिप्लोइड मदर सेल में होगी, माइटोसिस एक्सक्लूसिवली डिप्लोइड मदर सेल में, ओके, और माइटोसिस हो सकती है डिप्लोइड और हैप्लोइड में भी। जब भी हम लोग इन सेल्स डिवीजन की बात करेंगे तो देखो हैप्लोइड सेल को अगर मुझे बढ़ाना है नंबर में तो माइटोसिस उसका आंसर है नो डाउट। तो क्यू ट्रू है, हैप्लोइड सेल से आगे की कोई और सेल बनानी है अगर मुझे तो केवल एकमात्र रास्ता है माइटोसिस, मियोसिस से हैप्लोइड सेल डिवाइड नहीं कर सकती। तो एस जो है मेरा फॉल्स है क्योंकि यहां पूछा हुआ है मियोसिस दोनों के लिए जरूरी है। हाँ मियोसिस यहां हो सकता है आर वाले केस में ट्रू, और क्यू वाले केस में हैप्लोइड सेल्स डिवाइड कर सकते हैं माइटोसिस से, तो ये भी ट्रू है। तो क्यू ट्रू, आर ट्रू और एस फॉल्स और पी तुम्हारा फॉल्स, क्योंकि माइटोसिस केवल एक्सक्लूसिवली डिप्लोइड सेल्स में ऐसा जरूरी नहीं है, जो हैप्लोइड है वो भी कर लेती है। आंसर नंबर डी। एक और मैच द फॉलोइंग आ गया, और ये मैच द फॉलोइंग जैसे पहला वाला था सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको लेकर के, तो ये बात कर रहा है रिएक्शंस को लेकर के। फोटो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, अमीनो एसिड डिग्रेडेशन, फैटी सिंथेसिस। तो यार ये तुम्हें बायोकेमिस्ट्री के पाथवे से तुम्हें बड़ी याद होंगी, सिंपल सी पाथवे है, ज्यादा लंबी चौड़ी थोड़ी कहानी है, बस ये जरा सा नक्शा होता है। हाँ इस नक्शे को देखने के लिए थोड़ा बड़ा करना पड़ता है तो समझ में आता है कि यार ये काफी सारी रिएक्शंस हैं, यार ये इतना आसान है क्या? ज्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से 2,500-3,000 रिएक्शंस के आसपास होंगी, बस इन्हें उंगलियों पे कर लो और सब कुछ काम आसान हो गया। ओ भाई हिम्मत मत छोड़ो और ना ही अपना दिल छोटा करो, चाहे बायोकेमिस्ट्री में कितनी भी रिएक्शंस हो, बट ये रिएक्शन केवल 6 कैटेगरी में होती हैं, और जब तुम आई फ्लाई के साथ सीखते हो ना तो तुम बहुत कुछ चीजों को पढ़ लेते हो, इनमें से बहुत सारा नक्शा तुम क्रिएट करना भी जान जाते हो अपने आप, और वो भी आराम से, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते। चले फिलहाल एक काम करते हैं, केवल हम लोग एक ही बात करते हैं, जब भी कभी फैटी एसिड बनना होगा तो जैसे फैटी एसिड के टूटने से एस्टाइल कोएंजाइम बनता है तो एस्टाइल कोएंजाइम से वापस फैटी एसिड भी बन सकता है, लेकिन शर्त है कि पहले एस्टाइल कोएंजाइम को मेलानिन कोएंजाइम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और फिर यहां आती है फैटी एसिड सिंथेसिस एंजाइम की कहानी, जो कि एक सबसे बड़े एंजाइम्स में से एक है। 7 डिफरेंट डोमेन्स हैं अलग अलग रिएक्शंस करने के लिए एक ही पेप्टाइड। इंटरेस्टिंग है ये एंजाइम, जब हम लोग फैटी एसिड बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब हम लोग इसको देखेंगे। अभी इतनी जानकारी के साथ भी अगर क्वेश्चन पे जाऊं तो मैं फैटी एसिड सिंथेसिस एसिटाइल कोएंजाइम है टू मेलानिल कोएंजाइम है एस का टू, देखो इतनी सी जानकारी से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ जो बाकी ऑप्शन है वो भी तुम चेक करना मत भूलना, और देखो मजा भी तब है जब हमें सारी जानकारी पता हो, उंगलियों पे हमें आती हो बातें। इतना मुश्किल नहीं है बायोकेमिस्ट्री, डीएनए बायोलॉजी, सिग्नलिंग, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, अगर तुम्हें एग्जैक्टली कोई ये बताने वाला हो कि कहां से कितना पढ़ना है। 1,000 पन्नों की किताब पढ़ के एग्जाम नहीं क्लियर हुए थे, 1,000 पन्नों में से एक पन्ने की वो इन्फॉर्मेशन निकालना जो एग्जाम में आने वाली है, ये है सारी कलाकारी। क्वेश्चन नंबर 19, एक गार्डन पी है, ड्वार्फ प्लांट जिसके पास टर्मिनल फ्लावर्स हैं ये रेसेसिव है, एज कम्पेयर टू टॉल प्लांट जिसके पास एक्सियल फ्लावर्स हैं। एक ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग वो होते हैं जो प्योर होते हैं, मतलब होमोजेगस कंडीशन में, एक्सियल फ्लावर के साथ क्रॉस किया गया है ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट के साथ जिसके पास टर्मिनल फ्लावर्स थे। F1 प्रोजेनी आई, फिर टेस्ट क्रॉस कराया गया, बस इतना डाटा समझ के तुम्हें इतना आ जाना चाहिए कि भाई लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की कहानी है। अभी तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसकी साम दाम दंड भेद करें, और जिस लेवल पर हम लोग सीखते हैं उसके बाद ये क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है। करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा पेड़ उगाओ और देखो कि जो पेरेंटल टाइप्स हैं उसमें है टॉल और एक्सियल एक साथ, ड्वार्फ और टर्मिनल एक साथ। जो F1 कराने के बाद में टेस्ट क्रॉस कराया गया उसका, और जो F2 जनरेशन है, तो जितने भी ये पेरेंटल टाइप के थे टॉल, एक्सियल और ड्वार्फ टर्मिनल वाले, इनको आप अलग निकाल लो, ये पेरेंटल टाइप है। और जो कॉम्बिनेशन ऐसे थे जो इन पेरेंट्स में नहीं थे, जैसे कि टॉल के साथ में टर्मिनल फ्लावर्स, ये किसी पेरेंट में नहीं था, तो ये है नए रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स के नंबर को टोटल नंबर से डिवाइड कर दो तो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी निकल आएगी जो कि 0.20 अवेलेबल है। और इस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं और परसेंटेज का सेंटीमॉर्गन लगा दूं
तो भाई यही है दोनों जिनों के बीच का डिस्टेंस। इस क्वेश्चन को रियली में करने में हार्डली 2 मिनट का टाइम लगता है अगर हमें इसकी प्रैक्टिस हो रखी हो और हमने सीख रखा हो कि क्वेश्चन को पकड़ना कैसे। क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन को एक झलक मारते ही आप बता सकते हो कि ये क्वेश्चन है किस चीज का। जैसे कि केवल सेंटी मॉर्गन, ये नंबर्स, ये और ये टेस्ट्रोस, इतना काफी था बताने के लिए। बट आदत जब पड़ती है इन काम को करने की, जब आपके साथ कोई तैयारी करने के लिए अवेलेबल हो। आईफ्लाई के साथ हम लोग इसी तरह की बहुत सारी तैयारी करते हैं और इंडीड हर क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग पहले से अपने आप को रेडी कर लेते हैं। वो छोटी छोटी ट्रिक सीख लेते हैं जिससे बिना क्वेश्चन को पूरा पढ़े भी हम समझ जाएं कि क्वेश्चन है किस फील्ड का। आखिरकार एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, खासतौर से अब आने वाले एग्जाम में। इन क्वेश्चनों के और इन सॉल्यूशंस को देख करके जहां एक तरफ मन एक्साइट हुआ होगा तो कहीं ना कहीं अब दोबारा उत्साह जागा होगा कि सुबह कर लेते हैं और अब निकल लेते हैं अपने काम पर, वो काम जो हमें ले जाएगा नेट जून 2018 पर। ये एग्जाम भी खतरनाक है लेकिन तब तक जब तक कि हम तैयार ना हो। आईफ्लाई के साथ शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से हम बड़े आराम से इन एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। हम सीख लेते हैं कि कैसे कम टाइम में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, सिलेबस को कवर कैसे करना है, कौन कौन सी बातें जो एग्जाम में आती हैं और कौन कौन सी बातें हैं जो एग्जाम में नहीं आती हैं। चाहे हम तैयारी करें गेट के लिए, चाहे हम तैयारी करें नेट के लिए, बाकी छोटे मोटे एग्जाम्स और ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं क्योंकि देखो सिलेबस ओवरलैपिंग है। बट इसमें तो कोई समझदारी नहीं है ना कि एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक का वेट करो और उम्मीद करो कि शायद उस टाइम कोई हाथ आ जाएगा तुम्हें बचाने के लिए। नहीं आया तो गलत ट्रेन में चढ़ गए तो फिर बनाते रहना मुंह, फायदा क्या होगा उसका, फिर 6 महीने बाद का वेट करोगे। तो भाई अगर सो रहे हो ना तो जग जाओ, अब तुम ऑलरेडी 2 महीने निकल चुके हैं। हम लोग फैब में और फैब भी बिल्कुल जाने वाला है। कितने दिन बचे एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, क्यों हल्के में ले रहे हो उसको? क्या तुम्हें लगता है कि लास्ट के 1 महीने में तैयारी करके भी उस एग्जाम को निकाल लोगे? हाँ निकाल सकते हो नो डाउट, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो 6 महीने दांव पे लग जाएंगे। क्या तुम्हारी जिंदगी इतनी हल्की है कि तुम 6 महीने को ऐसे बिता दोगे? समझदारी इसमें है कि हम अपनी तैयारी हमेशा ऐसे करें कि कभी जिंदगी का टाइम लॉस ना हो। आज तुम्हें समझ में नहीं आएगा लेकिन जब टाइम लॉस हो जाएगा ना तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि 6 महीने की कीमत क्या थी रमेश बाबू। तो उठ जाओ, मुंह बनाना बंद करो और काम करना शुरू कर दो। आईफ्लाई की क्लासेस तुम्हारे घर पर होती हैं, भाई चाहो तो छत पे बैठ के कर लो या अपने घर के बाहर आंगन में बैठ करके, जहां तुम्हारा मन करे। ये क्लासेस लाइव भी अवेलेबल हैं और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन में भी क्लासेस इंटरनेट के थ्रू ही होती हैं, लेक्चर तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हें कहीं जाना नहीं होता। जहां तुम्हारी कन्वीनियंस हो, जब तुम्हारी कन्वीनियंस हो, कॉपी पेन उठाओ और भाई लेक्चर शुरू कर दो। क्लासेस अफोर्डेबल है, सप्ताह में कुछ दिन होती हैं। अगर ज्यादा टाइम दोगे तो ज्यादा रिजल्ट निकल के आएगा, कम टाइम दोगे तो कम इन्वेस्टमेंट तुम्हारा है। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981 पर, हम लोग कॉल करेंगे और समझाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक कर लो और शेयर भी कर लो जहां तुम्हारा मन करे। चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो उसकी भी घंटी बजा लो और हमेशा याद रखो, आई फ्लाई का साथ तो फिर घबराने की क्या बात। बाय बाय।